जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में गोहलपुर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि गोहलपुर क्षेत्र का संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं और गोहलपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब पुराना नशा मुक्ति केंद्र काली मंदिर के पास एक युवक को रोका तो वह युवक पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से गाड़ी की डिक्की में से एक देशी पिस्टल बरामद हुई है और जिसमें 2 कारतूस मैगजीन में थे, जबकि उसके पास 15 कारतूस रखे मिले हैं। और वहीं आरोपी युवक का नाम आकर्ष पटेल है और आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामले में गोहलपुर थाना पुलिस आरोपी युवक से भी पूछताछ कर रही है। विगत दिवस रात करीब 9 बजे क्राइम ब्रांच और थाना गोहलपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से सूचना के आधार पर आकर्ष पटेल निवासी शांति नगर से एक देसी मेड माउजर और 17 नग कारतूस जब्त की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि अपनी गाड़ी की डिग्गी में पिस्टल और कारतूस लेकर कहीं जा रहा है, तो सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा गया है। उसकी गाड़ी को जब्त किया गया है और पिस्टल और 17 नग कारतूस जब्त किए हैं। आज आरोपी को न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड लेकर इसमें पिस्टल के सोर्स कारतूस के सोर्स की जानकारी दी है। सर, इनके कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड? आरोपी आकर्ष पटेल करीब 23 वर्ष का है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने थाने में नहीं, दूसरे थानों से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।